नमस्कार दोस्तों, बैंड की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। 2023 में कई सारे कुछ ऐसी बैंड आए जिसके एक अच्छे परफॉर्मेंस ने हम सभी के दिल खुश कर दिए। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सभी फेवरेट बैंड को हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। आज हम उन सभी बैंड की कुछ ऐसे परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं जिसमें से कुछ ऐसी भी बैंड होगी जिसके शायद आप फैन भी होंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा दमदार और काहीं बेहतरीन होने वाला है, तो फिर इस वीडियो को आप एंड से जरूर से देखेगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेगा। तो फिर वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे कई सारी बैंड हैं जो अपनी परफॉर्मेंस के वजह से कहीं पॉपुलर हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं एमजे स्टार। दोस्तों, एमजे स्टार जो कि म्यूजिक सिस्टम के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, अगर इसके म्यूज़िक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसका म्यूज़िक क्लीन आता है। और वैसे एमजे स्टार जो है वो विनायक मास्टर के एक ट्यून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। और वैसे एमजे स्टार बैंड के भी कहीं लाखों की संख्या में इसके भी फैन हैं। लेकिन अगर इसके अगर ट्यून और पूरे साउंड सिस्टम की बात करें तो इनके साउंड सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इनके सभी फैन और सभी जितने भी जो लोग हैं पसंद करते हैं वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी देती है कि नेक्स्ट लेवल पर कुछ नया हो और उसके लिए कुछ नए नए ट्यून भी बजाते हैं। फिर एमजे स्टार के बाद बात करते हैं ज्ञानी म्यूजिक बैंड जिसे आज कौन नहीं जानता और भी जानते हैं और यहाँ तक ज़्यादातर पबजी लवर इसे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्ञानी म्यूजिक बैंड जो उनके पबजी टाइटल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए और लोगों ने भी उन पबजी टाइटल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और इतना ज़्यादा पसंद किया है कि यहाँ तक फेसबुक में लाखों लोगों ने उनके टाइटल को देखा है। तो वैसे ही ज्ञानी म्यूजिक बैंड जो काफ़ी ज़्यादा एक तरह के म्यूजिक सिस्टम और टीमली ट्यून जैसे कहीं मामलों में काफ़ी ज़्यादा आगे है। और वैसे पबजी लवर के सभी प्लेयर्स को पबजी की याद दिलाने के लिए ज्ञानी म्यूजिक बैंड वालों ने जो किया, जो टाइटल निकाला, उसके लिए तो एक लाइक बनता है। और जो भी उसके फैन है वो लोग क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और फिर ज्ञान के बाद बात करते हैं हम सुपर झंकार की। यहाँ पर सुपर झंकार को कौन नहीं जानता और कहीं जानता है, क्योंकि सुपर झंकार अपनी लाइटिंग सेटअप की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे दोस्तों आपको बता दूँ, सभी बैंड्स के अंदर कहीं अलग अलग गुण हैं और उनके वजह से सभी बैंड जो पॉपुलर हो रही है। जैसे कि सुपर झंकार की बात करें तो सुपर झंकार उनकी लाइटिंग सिस्टम की वजह से पॉपुलर हुए और सुपर झंकार के लाइटिंग के बाद सुपर झंकार के अंदर सिंगिंग करने वाले लेडीज सिंगर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐसा फोकस होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुपर झंकार जो है वो उन दोनों लेडीज सिंगर की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना वहाँ पर सुपर झंकार के परफॉर्मेंस या फिर लाइटिंग को देखने के लिए नहीं जाते, बल्कि सुपर झंकार की उन दोनों लेडीज सिंगर को देखने जाते हैं। ज़्यादातर पूजा को देखने जाते हैं लोग, ना सुपर झंकार के दीवाने नहीं बल्कि पूजा के दीवाने हैं। यहाँ तर कुछ लोग ना पूजा के साथ सेल्फी भी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं और कुछ लोग तो ले भी लेते हैं, इतने ज़्यादा पूजा के दीवाने हैं। और उसके वजह से सुपर झंकार इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और फिर सुपर झंकार के बाद बात करते हैं तुर ट्यून की दुनिया की किंग मानी जाने वाली नसीब स्टार बैंड। वैसे नसीब स्टार बैंड जो तुर ट्यून के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इनके तुर ट्यून इतने ज़्यादा खतरनाक आते हैं कि यहाँ तक इंस्टाग्राम पर भी ये तुर ट्यून काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और यहाँ तक कुछ लोग ना उसमें रील्स भी बना रहे हैं। वैसे नसीब स्टार बैंड जो है वो इनके टू ट्यून और कहीं अजीब वो गरीब कुछ है म्यूज़िक की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है। और इसके फैन पेज की बात करें तो कहीं हज़ारों की संख्या में नसीब स्टार बैंड के फैन हैं। और फिर जिस तरह सभी बैंड अपने अलग अलग परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, कुछ उसी तरह नसीब स्टार बैंड ही इसके ट्यून के वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तो फिर जो भी नसीब स्टार बैंड के फैन हैं वो क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपके और नसीब स्टार बैंड के बीच में कितना गहरा संबंध है। और फिर दोस्तों, नसीब स्टार के बाद बात हम करने वाले हैं दो रॉकिंग स्पाइडर के बारे में। वैसे आज रॉकिंग स्पाइडर को कौन नहीं जानता और कहीं जानता है, उसके बारे में जानकर तो ज़्यादातर लड़कियां बेचैन हो चुकी हैं, क्योंकि उनके तो साउंड सिस्टम इतनी ज़्यादा खतरनाक है ना कि सामने वाले की बैंड ना बतून खेली हो जाती है। वैसे सामने वाले बैंड थरथराने लगते हैं उसके साउंड सिस्टम को सुन के। वैसे दोस्तों, रॉकिंग स्पाइडर जो है वो उनके साउंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर सभी बैंड की बात करें तो सभी बैंड के अंदर इतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होता जितना
वॉकिंग स्पाइडर के अंदर उसका साउंड जो वाइब्रेट होता है, फिर वाइब्रेट होने की वजह से सामने वाली बैंड का जो भी साउंड आता है उसका साउंड, रॉकिंग स्पाइडर बैंड का जो साउंड उसकी ओर जाता है, वो पूरी तरीके से उससे सामने वाली बैंड का साउंड को पूरी तरीके से दबा देती है। और उसके वजह से ज़्यादातर ऐसी टक्कर में ना रॉकिंग स्पाइडर का ही साउंड आता है। तो फिर जो भी रॉकिंग स्पाइडर बैंड के फैन है वो क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर हम बनाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो फिर रॉकिंग स्पाइडर के बाद हम बात करने वाले हैं जय बजरंग बैंड के बारे में। तो यहाँ पर जय बजरंग बैंड को कौन नहीं जानता, छोटे से लेकर बड़े तक, लड़की से लेकर लड़के तो हर कोई बजरंग बैंड को जानता है। और ज़्यादातर लड़कियाँ तो उसके टू ट्यून और ज़्यादातर कुछ अजीबोगरीब ट्यून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दीवानी हो चुकी है, और इतनी ज़्यादा दीवानी है कि यहाँ तक इंस्टाग्राम पर भी रील्स बना दिया। और वो जो रील्स है वो इतनी ज़्यादा वायरल हो चुके हैं कि क्या है बताऊँ, यहाँ तक ना कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या बात है यार, जो भी बजरंग बैंड के फैन हैं ना वो तो वीडियो को लाइक करना और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाना। तो बस बात करते हैं आज हम जय बजरंग बैंड के बारे में। तो दोस्तों जय बजरंग बैंड का परफॉर्मेंस ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आता है, और इतना ज़्यादा बेहतरीन आता है कि क्या मैं बताऊँ, रडाली और ज़्यादातर टू ट्यून के मामले में जय बजरंग बैंड है जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। अगर वैसे टक्कर की बात करें तो दूसरी बैंड जो अगर किसी बैंड के साथ इनकी टक्कर होती है तो ज़्यादातर दूसरी जो बैंड होती है वो झुक जाती है, लेकिन बजरंग बैंड एक ऐसी बैंड है ना कभी झुकती है ना ही कभी किसी के आगे झुकी है, बल्कि दूसरों को झुकाती है, इतना ज़्यादा पावर है बजरंग बैंड के पास। तो फिर क्या कहते हो, बजरंग बैंड के दीवानों लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो फिर दोस्तों बजरंग के बाद हम बात करने वाले हैं आपकी अपनी और सबकी दीवानी कोहिनूर स्टार के बारे में। दोस्तों यहां पर कोहिनूर स्टार को कौन नहीं जानता, छोटे से लेकर बड़े तक और कई कोहिनूर स्टार बैंड को जानता है। और यहां पर अगर कोहिनूर स्टार बैंड की अगर फैन पेज की बात करें तो लाखों की संख्या में कोहिनूर स्टार बैंड के फैन हैं, और लड़कियों की बात करें तो लड़कियाँ कोहिनूर स्टार बैंड की काफ़ी ज़्यादा दीवानी है, और इतनी ज़्यादा दीवानी है कि जहाँ पर कोहिनूर स्टार होगी वहाँ पर आने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। और अगर लड़कों की बात करें तो इतने ज़्यादा लड़के कोहिनूर स्टार बैंड के फैन हैं कि यहाँ पर मोबाइल से लेकर अपनी बाइक पर कोहिनूर स्टार बैंड का नाम लिखवाते हैं, वो भी कोहिनूर स्टार लवर के नाम पे। तो उन लोगों के लिए तो लाइक बनता है यार, क्योंकि इतना ज़्यादा फैन और किसका हो सकता है, यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी का नहीं होता, उतने ज़्यादा फैन तो इस बैंड वालों का होते हैं। तो फिर क्या कहते हो यार, अभी का अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। दोस्तों अगर कोहिनूर स्टार बैंड की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आता, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में कोहिनूर स्टार बैंड जो काफ़ी ज़्यादा दमदार है, अगर इसकी म्यूजिक सिस्टम से लेकर साउंड सिस्टम तक बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दमदार, और अगर इसके ट्यून की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसके ट्यून आता है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ तो इसकी ट्यून पर ही दीवानी है, तो वैसे कोहिनूर के लिए एक लाइक बनता है। तो फिर दोस्तों कोहिनूर के बाद में किसकी बात करने वाला हूँ शायद आप समझ ही पाएंगे, लेकिन फिर भी आप जान लो, जंगल के राजा और सबके बाप और बैंड इंडस्ट्री के किंग माने जाने वाली बैंड यानी रॉकस्टार। यहाँ पर रॉकस्टार बैंड को कौन नहीं जानता है, अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस की बात ही तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि आखिर इसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो शायद आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप जान लोगे आखिर इसका परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों अगर रॉकस्टार बैंड की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा दमदार है, जितने गुण सभी बैंड के अंदर आपको दिखने के लिए मिले या फिर जानने के लिए मिले वो गुण सारे के सारे गुण रॉकस्टार बैंड के अंदर आपको मिल जाएंगे, तभी तो रॉकस्टार बैंड जो है वो एक तरफ पहले नंबर पे और इतनी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर इतने सारे के सारे गुण जितने सारे गुण एक सभी बैंड के अंदर मौजूद है, वो सारे गुण अगर एक बैंड के अंदर यानी रॉकस्टार बैंड के अंदर मौजूद ना होते तो रॉकस्टार बैंड जो है वो आज इस लिस्ट में ना होती और शायद किसी अलग लिस्ट में होती, जहाँ पर आज छोटी छोटी बैंड बड़ी हुई है। तो वैसे दोस्तों जो भी रॉकस्टार बैंड के फैन है वो लोग क्या कहना चाहते हैं, रॉकस्टार बैंड को एक नंबर पे देखते हुए, रॉकस्टार बैंड का इतना ज़्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस देखते हुए, जानते हुए आप लोग कहना क्या चाहते हैं वो सब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि रॉकस्टार बैंड के बारे में मैं जितना भी बोलूँ और जितना भी आपको मैं सुनाऊँ क्योंकि वो सब कम ही पड़ जाएगा, इसलिए रॉकी के फैन और शायद किसी भी बैंड के फैन होंगे आप लोग इस वीडियो को देखकर कितने ज़्यादा एक्सपायर हुए या फिर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हुए वो सब कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बिल्कुल भी ना भूले, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए।